हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं हरे मूंग की करी। बहुत ही सिंपल और हेल्दी रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज इस हरे मूंग की करी की रेसिपी को शुरू करते हैं। हरे मूंग की करी बनाने के लिए मैंने लिया है 150 ग्राम भिगोया हुआ हरा मूंग। भिगोने के बाद मैंने इसे 3-4 घंटे छोड़ दिया था, तो थोड़ा सा स्प्राउट हो गया ये। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 तेज़पत्ता ले लेंगे, 2 सूखे लाल मिर्च, 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए लेंगे, 1 बड़ा टमाटर कटा हुआ लिया है मैंने यहाँ पे, हींग हम लेंगे 1/4 छोटा चम्मच, ये ऑप्शनल है, कसूरी मेथी 1/2 छोटी चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, तेल हमें चाहिए 3 से 4 बड़े चम्मच। मसालों में हम लेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, काली मिर्च का पाउडर 1/4 छोटा चम्मच। तो सबसे पहले गैस ऑन करके एक प्रेशर कुकर पैन गरम करेंगे। पैन को अच्छी तरह गरम हो जाने दें। इसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे। इसमें ज़्यादा तेल यूज़ ना करें। तेल के गरम होते ही ये सूखे लाल मिर्च, तेज़पत्ता, फिर ये हींग भी डाल देंगे यहाँ पे थोड़ा सा, और लास्ट में ये जीरा डाल दें। हींग से टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी आप यूज़ करें। इन तीनों को हम थोड़ा सा पका लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। मिला दे प्याज को। प्याज को हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे, या फिर इसे तब तक भूने जब तक कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, या फिर प्याज जो है वो थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। तो पकने दें इसे। 3-4 मिनट बाद हम देखेंगे कि प्याज जो है वो हल्का सा फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करें। मिला दें इसे। अदरक लहसुन को प्याज के साथ हम 1/2 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि इसका जो कच्चा स्मेल है वो निकल जाए। 1/2 मिनट बाद इसे वापस एक बार मिक्स करेंगे। तो हमने प्याज को फ्राई कर लिया, अदरक लहसुन को फ्राई कर लिया। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे, तो उसके पहले गैस का फ्लेम लो कर दें। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम सूखे मसाले डालेंगे तो गैस का फ्लेम कम रखें। हल्दी पाउडर डाल दें, लाल मिर्च पाउडर, मैंने सूखे लाल मिर्च यूज़ किया है तो लाल मिर्च थोड़ा कम यूज़ करें। इसके बाद इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला या मटन मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। मिला दें मसालों को कुछ सेकेंड्स के लिए, मतलब 8-10 सेकेंड के लिए ऐसे लो फ्लेम पर भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे। मिला दें टमाटर को। अगर आप टमाटर को ग्रेट करके यूज़ करेंगे तो इसकी करी जो है वो और अच्छी बनेगी, लेकिन हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो टमाटर ऐसे भी गल जाएगा। अब हम टमाटर को 3 से 4 मिनट तक ढक के मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। ये देखिए, सीटी ना लगाए, पकने दें इसे ऐसे। 3-4 मिनट बाद हम देखेंगे कि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हमने टमाटर प्याज मसालों को अच्छी तरह भून लिया है, ये देखिए। तो अब हम इसमें भिगोया हुआ मूंग डाल देंगे। मैंने मूंग को रात भर पानी में भिगो के रखा था, उसके बाद पानी से निकाल के 3 से 4 घंटे छोड़ दिया था, तो इसे ये थोड़े से ऐसे अंकुरित हो गए हैं। आप मूंग के साथ बाकी स्प्राउट्स को भी मिक्स करके ये सब्जी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मूंग को मिलाने के बाद मैं इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक के पकाऊंगी। उससे क्या होगा, इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो सब्जी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो पैन को वापस कवर कर दें ऐसे और 1 मिनट के लिए पकने दें। 1 मिनट बाद मैंने पैन का ढक्कन हटाया, इसे मिक्स करें। तो हमने मूंग को भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया मसालों के साथ, ये देखिए। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैं यहाँ पे मेजरिंग कप से 1.5 कप पानी यूज़ कर रही हूँ। शुरू में ही ज़्यादा पानी नहीं डालें, पहले पानी कम डालें, उसके बाद सब्जी पकने के बाद अगर आपको लगे ये गाढ़ा है तो उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला दें। तो नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, गर्म मसाला और सूखी मेथी हम बाद में यूज़ करेंगे। मिला दें नमक को। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके अच्छे से और इसे मीडियम हाई फ्लेम पे 3 सीटी तक पकाएंगे। तो ढक्कन बंद किया मैंने, गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर दें, ये देखिए, और इसे 3 सीटी आने तक पकाएंगे हम। तो ये पहली सीटी लगी, दूसरी, और बस 3री सीटी आते ही गैस को ऑफ कर दें और प्रेशर कुकर को हम थोड़ा सा सेटल हो जाने देंगे। जैसे ही प्रेशर कुकर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा इसे हम सावधानी से खोलेंगे। मिला दें इसे एक बार ऐसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेवी जो है वो थोड़ी थिक है, ये देखिए।
मतलब अगर आप इसको रोटी चपाती के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे ही सर्व करें, इसमें पानी वानी नहीं मिलाएं। लेकिन अगर आप इसे दाल की तरह खाना चाहते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा गुनगुना पानी मिला देंगे। तो ये ज़्यादा गाढ़ा दिख रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी होने के लिए रख रही हूँ, गैस ऑन किया मैंने। पानी को हल्का गुनगुना होने दे, उसके बाद इसमें मिक्स करें। जब भी आप दाल या कोई सब्जी बनाए तो उसमें उसकी थिकनेस कम करने के लिए हमेशा गुनगुना पानी का यूज़ करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी, मतलब एक तिहाई कप के करीब पानी यूज़ किया है मैंने। और यहाँ पे ये देखिए ग्रेवी जो है एकदम परफेक्ट है। तो बस लास्ट में हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और ये कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है, आप चाहें तो कसूरी मेथी को थोड़ा सा रोस्ट करके यूज़ करें। टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा चम्मच घी यूज़ कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, मैंने इंग्रेडिएंट्स में नहीं दिखाया है, लेकिन अगर आप घी डाल के इसे बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो गैस को ऑफ कर दें और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसे 4 से 5 मिनट तक छोड़ देंगे। 4-5 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन खोला यहाँ पे। तो जो हमने लास्ट में कसूरी मेथी गरम मसाला या घी डाला था उससे बहुत अच्छी फ्लेवर आती है इस टाइम पे। तो ये हमारी सब्जी जो है, सब्जी या दाल जो भी बोले, वो रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए इसे एक बर्तन में निकाल लें। ये आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। तो ये हमारी मूंग की करी तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो लास्ट में गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा कटा हुआ अदरक और हरी मिर्ची यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, आप इसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा लगता है। तो ये हमारी हेल्दी मूंग की करी तैयार हो गई है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बाकी इन रेसिपीज के लिए इन दोनों लिंक्स पे क्लिक करें।